आज आपको बोनस स्किल के बारे में बताया जाएगा। बोनस किस प्रकार से युवक ने लड़के तैयारी कर सकते हैं, इस प्रकार से ईंट या कूपियाँ रख करके या लाइन लगा करके भी आप देख सकते हो, लगा करके लाइन और बोनस की लाइन लगा लेना और फिर एक मीटर पर डी लाइन लगा लेना, उससे एक मीटर और आगे लाइन लगा लेना, एक मीटर और आगे लगा लेना, सेंटर लाइन तक चार पाँच लाइनें लग जाएंगी आपकी। इस प्रकार से आप स्किल कर सकते हो। पहले वन से काउंटिंग होगी, 1 2 3 4 और फिर बैक 1 2 3 4 पर जो काउंटिंग है कि बोनस करके आगे कैसे बढ़ना होता है उसके बारे में बताया जाएगा, और बाद में जो 4 3 2 1 पे जाओगे तो रिवर्स बोनस की तरफ जाते हैं तो वो कैसे जाया जाता है वो स्किल आपको दिखाई जाएगी। बाकी आपको इसके बाद एक स्किल और दिखाई जाएगी, बोनस करके जंप करके सेंटर लाइन की तरफ कैसे जाते हैं वो सभी स्किल आपको बताई जाएंगी आज नरवाल स्पोर्ट्स अकेडमी की तरफ से सनी नरवाल द्वारा। और अभी आप इन बच्चों को देख सकते हो, ये आपके सामने खड़े हैं, बिल्कुल तैयार कर रखे हैं। इस प्रकार से आप बोनस की तैयारी करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अब आपको दिखाया जाएगा, देखना 1 2 3 4 4 3 2 1 इस प्रकार से बारी बारी कर सकते हैं, 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4। अब आपको बताया जाएगा कि रिवर्स आके बोनस करके और सीधा जंप कैसे करते हैं और सेंटर लाइन की तरफ जाते हैं। रेडी स्टार्ट। ये देख सकते हो आप, इस प्रकार से जंप कर सकते हो, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये आप बोनस करके जंप करके निकलते हो बाहर, और निकलने में बहुत अच्छी सक्षम है, काफ़ी खिलाड़ियों को देखा होगा आपने प्रो में भी और नेशनल गेम में भी। ये न्यू बिगिनर लड़कों को तैयारी करने के लिए बहुत अच्छी स्किल है। बोनस इस प्रकार से करके बाहर निकल सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस करोगे आपकी अच्छी स्किल हो जाएगी। इस प्रकार से बोनस की बहुत गुड स्किल है ये, इस प्रकार से आप अपने फुटवर्क को भी सही कर सकते हो और निकल सकते हो। इस प्रकार से बोनस करते रहिए, और कई कई सेट आपको डेली के करने पड़ेंगे तब आप बोनस करने में सक्षम होंगे। बोनस इतनी आसान नहीं होती क्योंकि बहुत प्रेशर होता है डिफेंस का प्रेशर होने के कारण हमें जंप करके ही बाहर निकलना होता है, आगे की तरफ भागना होता है। ये स्किल उसी के लिए है, जैसे ही बोनस किया, रिवर्स आया, बोनस किया और जंप कर गए। ये देख सकते हो आप, सभी लड़के इस प्रकार से कर रहे हैं। ये बोनस करने की आपको स्टाइल दिखाई जाएगी कि बोनस होता किस प्रकार से है। इस स्टाइल से आप बोनस कर सकते हो और बार बार प्रैक्टिस करके अपने स्टेप को और रीच को खोल सकते हो। अब ये रीच आपको दिखाई जाएगी कि ये रीच पर किस प्रकार से खुलती है और किस प्रकार की स्किल की जाती है, उसके लिए आप बार बार प्रैक्टिस करोगे आपकी रीच भी खुल जाएगी और आपकी स्किल भी खुल जाएगी और बिल्कुल आप समझ सकते हो इसको अच्छे से। ये बच्चे करके दिखाएंगे आपको अभी। बेटा रेडी, स्टेप खोल लो पूरा, अच्छा अपना अच्छे से, जल्दबाजी कुछ नहीं है, आराम से प्रॉपर करना है। रेडी स्टार्ट, कंटिन्यू ऊपर की तरफ जंप कीजिए, आगे की तरफ बॉडी को झुकाइए, नज़र सामने रखिए, डिफेंस की तरफ नज़र, डिफेंस की तरफ रखिए, बिल्कुल इधर सामने की तरफ रखिए जिस तरफ हैप्पी की है, हाँ सामने नज़र रखिए। और इस तरह से मोमेंट आप देख सकते हो, इस प्रकार की मोमेंट आपकी होनी चाहिए। पंजे पर कीजिए, इस प्रकार से आप मोमेंट कर सकते हो, आपका बिल्कुल अच्छा मोमेंट हो जाएगा बोनस के लिए। रीच थोड़ा और नीचे जाइए बेटा, आगे की तरफ बॉडी का झुका और नीचे, ये ट्रायंगल बनता नीचे पैरों में भी, अपर बॉडी का भी पूरा ट्रायंगल में पोजिशन होती है, और ट्रायंगल 90 डिग्री का फेस के साथ, घुटने के साथ और पंजे के साथ 90 डिग्री बनती है, नीचे 75 बनती है और नीचे फिर 90 डिग्री की लाइन होती है। तो इस प्रकार से ट्रायंगल बनता है, जब ये ट्रायंगल टूटता नहीं है और अच्छे से फिर जैसे मोमेंट चेंज करो दूसरा ट्रायंगल तैयार होगा और आप रेडर को उठा करके फेंक सकते हो और बोनस करके जंप भी कर सकते हो, आप निकल सकते हो। इस प्रकार से आप देख सकते हो, इस प्रकार की मोमेंट आपको कंटिन्यू करनी होती है और आप रेगुलर करके आगे बढ़ सकते हैं और बोनस अच्छे से कर सकते हैं। पूरी रिस्क खोलो, पैर भिड़ा, पैर थोड़ा स्पेस लो, 1 मीटर कम से कम हो। इस प्रकार से आप कर सकते हो, यह आज की बोनस की स्किल थी। सभी आप अच्छे से कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। रेगुलर न्यू बिगिनर जो बच्चे हैं वो रेगुलर इस प्रकार की प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। नरवाल स्पोर्ट्स अकेडमी रोहतक हरियाणा की तरफ से आपको ये स्किल बताई गई है।
और रेगुलर ये स्किलें आती रहेंगी कबड्डी की, आप हमारे को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अच्छे से ये स्किलें समझ सकते हो, सीख सकते हो। डिटेल खोल कर रख के आपको कबड्डी के बारे में बताई जाएगी हर चीज़ की, और हम इस प्रकार से कार्य करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।